सो फ्रेंड्स, बहुत रिक्वेस्ट के बाद आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कि यामाहा MG10XU मिक्सर का सेटअप कैसे करना है, उसका वीडियो पूरी तरह से रीशूट करके हिंदी में, जिससे आप कराओके पे और चाहे तो ऐसे भी बहुत अच्छी क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं इस मिक्सर के जरिए, जो मिक्सर है एक पूरी तरह मीडी मिक्सर, मीडी यूएसबी से ये ऑपरेट हो सकता है। और हमारे अंदर सभी लोगों को पता है कि यामाहा ऐसा एक ब्रांड है जो क्वालिटी पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सो ये है यामाहा का एक मिक्सर जो है MG10XU का। ये मैं आप लोगों के सामने डिटेल पे लाऊंगा फुल स्क्रीन पे, तब आप देख लीजिएगा कि इसका ओवरलुक कैसा है और ये काम कैसे करता है। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं डिटेल में इसका इक्वलाइजेशन सेटअप और इसका रिवर्ब का और डिले का यानी कि इफेक्ट सेक्शन का कैसे सेटअप करना है वो दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, और टाइम वेस्ट ना करते हुए जाते हैं सीधा वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, दिस इज द यामाहा MG10XU USB सीरीज मिक्सर, जो कि एक USB मीडी मिक्सर है, जिसके जरिए आप इस मिक्सर को USB से कंप्यूटर के साथ या आपके एंड्रॉयड मोबाइल के साथ या आपके एप्पल का कोई भी iPad या फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से लाइव स्ट्रीमिंग और साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इस मिक्सर का क्लोज लुक। सो फ्रेंड्स, मैं अगर इस मिक्सर का बैक पैनल का बात करूं तो यहां हमें देखने को मिलता है AC एडाप्टर का प्लग पॉइंट, उसके बाद आता है पावर का जो स्विच होता है वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट सा चीज जो कि है USB कनेक्टर जो आता है USB B सीरीज का, USB B टाइप का कोई भी डाटा केबल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप मोबाइल के साथ या टैबलेट के साथ। फ्रेंड्स, दिस इज द यामाहा MG10XU मिक्सिंग कंसोल जो आता है यामाहा की तरफ से। चलिए पहले मैं इसका पावर ऑन कर लेता हूं, जो एडाप्टर है वो एडाप्टर कनेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने पावर ऑन किया, यहां पावर का जो LED है ब्लिंक हो गया और मेरा यहां FX ऑन हुआ था पहले से, इसीलिए FX ऑन चला आया। और यहां जो आपको 5 दिख रहा है, इसका क्या चक्कर है उसकी तरफ मैं बाद में आता हूं। चलिए पहले मिक्सर का ओवर लुक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बेसिकली दिस इज द 10-channel मिक्सर जिस पे आपको 4 channel मोनो पे और 6 channel स्टीरियो पे अवेलेबल हो जाएगा। स्टीरियो पे 6 channel मतलब कि लेफ्ट राइट करके तीनों, मतलब कि देखने को मिलता है 4 और 3 7ों channel जिस पे आप 4 number के बाद से 5, 6, 7, 8 और 9, 10 एक साथ स्टीरियो में ऑपरेट कर सकते हैं। तो आते हैं अब क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैंडी है, बहुत ही लाइट वेट का आता है ये मिक्सर। और क्वालिटी के बारे में बात करें तो यामाहा यहाँ प्रोवाइड करता है न्यूट्रिक का XLR पिन होल्डर जो दोनों तरफ से काम कर सकता है। यहाँ बाहर की तरफ से XLR पिन कनेक्ट हो सकता है, अंदर की तरफ से जो 6.5mm का जैक आता है वो कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद आता है 2 switch जो है पैड और हाई फ्रिक्वेंसी जो होता है उसको कट करने के स्विच। पैड मतलब कि 26 dB तक आपका साउंड घट जाएगा और जो हाई परफॉर्मेंस का है 80 dB तक हाई परफॉर्मेंस का लेवल मतलब कि शार्प का लेवल घट जाएगा, जिससे CT कम आएगा लाइव प्रोग्राम पे। तो अब आते हैं इक्वलाइजर सेक्शन पे। इक्वलाइजर सेक्शन पे पहले ही देखने को मिलता है गेन का वॉल्यूम, उसके बाद आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन सिर्फ दोनों चैनल के लिए ही यूज किए हुए हैं यामाहा ने। इसके बाद आता है हाई मतलब कि शार्प फ्रीक्वेंसी का चैनल।
अगर आप एक सिंगर हो, कराओके पे आप आपका ट्रैक रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो एक बार भी स्किप मत कीजिए। ये है हाई फ्रिक्वेंसी, जो आपकी गले का जो स्वीटनेस है वो बरकरार रखता है, वो क्रिस्पी जो साउंड आता है वो बरकरार रखता है। इसके बाद आता है मिड। मिड फ्रीक्वेंसी का काम है ये आपके वॉइस को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके लाउड बनाता है। और अब आती है लो फ्रीक्वेंसी की बारी। लो फ्रीक्वेंसी का काम है आपका जो डेप्थ है, मतलब कि जो बेस है, वो बरकरार रखने के लिए लो का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किरदार होता है। उसके बाद आते हैं हम एफएक्स का चैनल पे। एफएक्स सभी चैनल पे अवेलेबल है। एफएक्स का एक ही वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब कि ये जो एफएक्स सेक्शन है ये सिंगल चैनल में अवेलेबल है। उसके बाद आता है पैन, उसके बाद आता है मेन लेवल का ऑप्शन। ऐसे तरह दो चैनल है। उसके बाद जो दो चैनल है थ्री और फोर में आपको कॉम्प्रेशन डाइवर नहीं दिखेगा। उसके बदले यहाँ फैंटम माइक ऑपरेट करने के लिए सिर्फ चारों चैनल के लिए 1, 2, 3, 4 के लिए फैंटम वोल्ट का एक स्विच दिया हुआ है, जो एक ही साथ चारों चैनल पे 48 वोल्ट पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम चले आए स्टीरियो चैनल की तरफ। स्टीरियो चैनल में आपको सिर्फ देखना पड़ेगा इक्वलाइजेशन बैंड में आता है, इसका कोई गेन नहीं होता दोस्तों, इस पे सिर्फ हाई लो इफेक्ट्स अवेलेबल है। और ये पैन है और ये है मेन वॉल्यूम। यहाँ इनपुट सेक्शन पे 5, 6 और 7, 8 के लिए RCA इनपुट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ऊपर की तरह जो 6.5mm के जैक के जरिए कनेक्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कनेक्टर मिल जाएगा। यहाँ जो ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर फुट स्विच का ऑन ऑफ एक जैक है, जिसके जरिए ये रिवर्ब में फुट स्विच काम कर सकता है। बाईपास और एफएक्स ये ऑपरेट हो जाएगा इसके जरिए। और इसके बाद 7, 8 और 9, 10 पे हम देखें तो सिस्टम करीब करीब एक ही है, पर 9, 10 चैनल का एक खासियत है, ये USB को ऑपरेट करने के लिए काम में आते हैं। ये मिक्सर बेसिकली 192 kHz 24 बीट में सिग्नल रिलीज करता है, जो कि आपके DAW पे जाता है। और ये जो स्विच है दोस्तों, लाइन और USB का ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्विच है, जो कि आपके मिक्सर को इस चैनल के लिए स्पेसिफिकली ये लाइन में यूज़ होंगे या USB के थ्रू यूज़ होंगे, इसके लिए काम पे आते हैं। और यहाँ नीचे एक छोटा सा लाल कलर का बटन है, जिस पे लिखा होता है टू मॉनिटर और टू सेंट। ये पुश बटन है बेसिकली। और इसके बाद हम देख लेंगे कि यहाँ एक वॉल्यूम है, जो कि है एफएक्स रिटर्न का लेवल। यहाँ एफएक्स ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच अवेलेबल है, जो लाइट ब्लिंकर के साथ आते हैं। इसके ऊपर हम देखें तो एक डिजिटल एफएक्स प्रोसेसर इंस्टॉल किया हुआ है यामाहा की तरफ से। यामाहा का एफएक्स सेक्शन जो है बेसिकली बहुत ही अच्छा है। यहाँ 24 चैनल आपको मिल जाएगा, 24 अलग अलग एफेक्ट्स मिल जाएगा, जो कि आपके वॉइस को बहुत अच्छी तरह की टोन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और इसके बाद आता है दोस्तों मॉनिटर और फोन्स की वॉल्यूम, जो कि एक स्टीरियो म्यूट स्विच के साथ अवेलेबल है। फोन्स कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक स्टीरियो 6.5mm का जैक हम लोगों को दिख जाएगा। और यहाँ मेन आउटपुट के थोड़ा बात कर लेता हूँ मैं, जो कि आता है 2 XLR पे और 2 6.5mm जैक पे। यहाँ एफएक्स सेंड करने के लिए एक जैक दिया हुआ है। और अगर ये मिक्सर को आप स्टूडियो पे ऑपरेट करना चाहते हो, तो आपके स्टूडियो मॉनिटर के लिए ये दो आउटपुट है। और एक खासियत, जब USB पे ऑपरेट होता है ये मिक्सर, USB लाइन पे टैप हुआ होता है ये बटन, और ये तब काम आता है। आपका वॉल्यूम यहाँ प्रेस करने से मॉनिटर पे ऑफ हो जाएगा, ऑन करने से मॉनिटर पे ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली इस स्विच का दोस्तों यही काम है। और ये जो चैनल है 9-10 का, वो जब USB पे ऑपरेट होता है दोस्तों, तब ये आपका मॉनिटर का इक्वलाइजेशन के लिए काम पे आते हैं। और ये जो एफएक्स सेक्शन है, यहाँ आपको दिख जाएगा एक डिस्प्ले, जहाँ आप कौन सा इफेक्ट यूज़ कर रहे हो उसका नंबर आता है। और उसके नीचे ही है प्रोग्राम का स्विच, जो कि एक बैंड स्विच है बेसिकली। अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा करके घुमाएं, तो एक एक करके इफेक्ट्स चेंज होता जाएगा।
और ये देखिए ब्लिंक हो रहा है, मतलब कि ये इफेक्ट सिलेक्टेड नहीं है, इसको पुश करने से, सॉरी मैंने देर कर दिया इसीलिए चला गया। इसका एक टाइम लिमिट होता है, 10 सेकंड तक ये ब्लिंक करता रहता है, उसके अंदर अगर आप प्रेस कर दो तो उसी इफेक्ट पे सिलेक्ट हो जाएगा, वरना पहले का जो इफेक्ट था उसी पे वापस चले जाएगा। तो अभी मैंने सिलेक्ट किया सपोज 12, ब्लिंक हो रहा है, अभी प्रेस कर देता हूँ। देखिए 12 फिक्स हो गया, मतलब कि 12 का एफएक्स सिलेक्टेड है, वो अभी सभी चैनल में इस वॉल्यूम के जरिए ऑपरेट हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, पहले ही मैंने पावर का केबल कनेक्ट कर लिए थे, अभी यूएसबी दिखाता हूँ आपको। देखिए यह है यूएसबी टाइप बी, जो इसका बैक पैनल पे यूएसबी इन पे सेट हो जाएगा। हो गया आपका यूएसबी सेटअप। ये सेट होने के बाद आपकी लैपटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके बाद आप देख सकेंगे कि नोटिफिकेशन में बोल रहा है MG10XU आपके पीसी से कनेक्टेड है। पर इसको आपके पीसी में ऑपरेट करने के लिए, जिस लोगों के पास अभी विंडोज 10 है, उन लोगों के लिए प्लग एंड प्ले है, डायरेक्टली ये मिक्सर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा यूएसबी के थ्रू। पर जिन लोग अभी भी विंडोज 7 या कोई और पुराना वर्सन यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, जो आपको यामाहा इंडिया के जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका एक यूएसबी सेटअप का वीडियो मैंने पहले ही किए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यही था यामाहा MG10XU का डिटेल वीडियो, जो आप लोगों के रिक्वेस्ट के वजह से मुझे फिर से हिंदी में लाना पड़ा। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। नमस्ते।